ध्यान है नहीं, काम तो सीख ले ठीक से, इधर उधर मत देख, जल्दी जल्दी हाथ चला, ला गिलास दे इधर ला। और है? देता हूँ। ये लाल वाला नहीं, वो लाल वाला। दिखा भैया को, दिखा दिखा। ये तो बहुत ही बढ़िया लगेगा मोनू पे। बस नहीं, और एक है। ला दे। हमारा मोनू पूरे शहर में हीरो दिखना चाहिए, हीरो दिखेगा सर। चलो एक बार आते हैं यहाँ पे। पापा, उन अंकल ने पैसे नहीं दिए। किसने? उन अंकल ने। इधर इधर मोहम्मद देख इधर। हाँ पापा। एलियन रॉय एटीएस। चश्मा चश्मा जी। एक मिशन है, कुछ बातें करनी आप लोगों से। हाँ जी, तो चलें। चलिए इधर इधर। चलिए चल 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 चल। मिशन है भाई। देखो मैं बार बार नहीं मिलूंगा। हाँ बिल्कुल। रुक जरा, तेरी माँ ने कहा था सरसों का तेल ले आना। क्या हाल है? ठीक। सरसों का तेल दे दे। अच्छा जी ले। अरे भाई देखिए, कुछ चूरन बूरन दीजिए, बड़ा पेट गुड़गुड़ करता है भाई। नमस्ते मास्टर। अरे नमस्ते छोटू लाल जी। पप्पू। नमस्ते मास्टर जी। खुश रहिए बेटा, बच्चा स्कूल नहीं आया आज? भेजता स्कूल ही हूँ, पता नहीं कहाँ चला जाता है। नहीं नहीं, बहुत होशियार बच्चा है, पढ़ाई जारी रखना बहुत जरूरी है छोटू लाल जी। देखो बेटा, अच्छे स्टूडेंट हमेशा पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं। देखो आज कितनी अच्छी पढ़ाई स्कूल में, नालंदा के बारे में, बोधगया के बारे में, और क्या कुतुब मीनार के बारे में, और तुम तो आए नहीं, अब कैसे सीखोगे? नालंदा और बोधगया बिहार में, और कुतुब मीनार तो दिल्ली में है। मास्टर जी, यूएन साहब ने भी ये सब लिखा था। क्या? यूएन साहब ने भी ये सब देखा था। छोटू लाल जी, बच्चे को कल स्कूल भेजिए, अच्छे से पढ़ाई करेगा, हमारा और आपका नाम रोशन करेगा। जी। भाई कुछ चूरन तैयार हो गया क्या? मास्टर जी, मास्टर जी जी, पनडुब्बी हमारे देश में कहाँ मिलती है? बेटा पनडुब्बी हमारे समुद्र में पाई जाती है, उसमें सेना के जवान रहते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए। मास्टर जी, जो इंसान पनडुब्बी के अंदर रहते हैं वो खेल कूद करते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। मास्टर जी ये तो ऐसी बकबक करता रहेगा, इसको ले जाता हूँ, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं नहीं, हमारी तबीयत ठीक हो गई है, इसके सारे सवालों के जवाब मैं देकर ही जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। बेटा पनडुब्बी में खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। मास्टर जी, पनडुब्बी चांद पर उड़ सकती है? देखो बेटा, स्कूल समय पर आओ, ठीक से पढ़ाई करोगे तो पनडुब्बी हवाई जहाज क्या, चांद पर भी पहुंचना असंभव नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। अरे पुड़िया पुड़िया पुड़िया, आपकी पुड़िया तो ले लेते। गुड़गुड़ ठीक हो चुकी है, रखो। रवि कुमार, लतीफ अहमद, लतीफ अहमद, प्रेजेंट मास्टर जी। बैठो। चुल्लू पांडे, प्रेजेंट मास्टर जी। ऋषभ शर्मा, ऋषभ शर्मा। पप्पू नहीं है? नहीं मास्टर जी, मैं अंदर आ जाऊं? अंदर तो आ चुके हो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम सुधर नहीं सकते। कल कितनी बार समझाया था बेटा समय पे आने के लिए, कितनी बार समझाया था, समझाया था ना? चलो बाहर मुर्गा बनो, चलो। Right, so we have to...
दो। और सुनो, कल समय पर स्कूल आना, समझ गए? नहीं तो पूरे दिन मुर्गा बना के रखूंगा। जाओ। मास्टर जी इधर आओ। क्या मास्टर जी? मास्टर जी मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछिए। दुनिया की सबसे लंबी रेल की पटरी कहाँ है? मुर्गा बने बने यही सोच रहे थे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अच्छा, वहाँ पे पहले स्टेशन से आखिरी स्टेशन पहुँचने में कितना वक्त लगता होगा? 12 दिन। 12 दिन? तो लोग ट्रेन में खाते क्या होंगे? वहाँ पूरी सब्जी तो मिलती नहीं। एक काम करो, साइबेरिया जाओ, ट्रेन में बैठो, 12 दिन सब कुछ नोट करो, मुझे भी आके बताना, मेरा दिमाग मत खाओ। सवाल सवाल सवाल, पूरी दुनिया में सवाल लेकर घूमता रहता है, एक दिन भी स्कूल टाइम से आता नहीं, चाहे कितना भी समझाओ। चलो बस, उठाओ अपना, चलो बच्चे, चलो चलो बच्चे, सब भागो यार। बस्ता ले बस्ता, शरारती हो चुके हो तुम। ऐसे बच्चे कहाँ थे? अच्छा वो किसी ने देखा नहीं, अभी तुम्हारी पिटाई करता हो। मंगल हेलो 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 खाबे मैं फंस गया हूँ यार। डंडा नहीं मिल रहा, डंडा टोपी बस पहुंचा। तू बस बस पहुंच। क्या कहाँ जाना का है? हाँ, अरे अरे ऑफिस। और ये हाथ, यहाँ क्या क्या कर रहा है? कर क्या रहे हो तुम? हाँ कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? सोई ढूंढ रहे हो? हाँ डंडा, डंडा ढूंढ रहे हो? पढ़ाया डंडा ढूंढने? अरे डंडा सोफे के नीचे क्या करेगा बेवकूफ? तो कहाँ होगा फिर? कहाँ क्या होगा, कहाँ क्या होगा? हाँ अरे मोनू खेल रहा था आपके डंडे के साथ सुबह। मोनू कुत्ता नहीं था, आ चला बच्चे का कुत्ता बोलते हैं? निकल गया बच्चे का कुत्ता बोलते हैं? नहीं नहीं मारू मारू। अरे अपने दोस्तों के साथ खेलने गए, जाके ढूंढो उधर ही। सो 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 सोने दो तब ना, चैन से कोई सोने भी नहीं देता। मोनो मोनो ऊपर चल जा, मजा ले चल। मोनो आना। ए मोनो बहुत मजा आ रहा है। नहीं यार मुझसे नहीं होगा, ऊंचाई से डर लगता है। और तुम लोगों के कहने पर मैं पापा की चीजें ले तो आया, पर अब ए मोनू कभी तेरे पापा पेड़ पर लटके हैं? नहीं। पुलिस वाले का अपहरण कर रहा था तू? कहाँ ले जा रहा है? दिखा रहा हूँ ना। अरे मोनू देख तेरे पापा आ गए। अरे पेड़ पर किसने भेजा उसको? ए मोनू जल्दी जल्दी आ जा। मोनू जल्दी जल्दी आ जा। अरे मोनू फेल पे क्या कर रहा है तू? बंदर हो गया क्या? इधर आ। आजकल के बच्चे भी ना, अरे घर में पैदा हुआ है, यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ मोनू कहाँ मोनू मोनू? अरे यहाँ क्या कर रहा है यार? घर किराए पे लिया है, तू पेड़ पे लटका हुआ है, बंदर हो गया क्या? क्या बदतमीजी है? अरे घर से प्रेशर कुकर उठा लाए होते, अपनी अम्मा को वहाँ से उठा के यहाँ बिठा दिया होता, मेरा टोपी और जो है डंडा लेकर करके यहाँ कर आ गए। क्या 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 और क्या क्या लाए? किस मने हो बच्चों के साथ पेड़ के नीचे बातें कर रहे हो? किधर किधर घूमते रहते हो सर? यहाँ पर मैं यहाँ आया क्यों था सर? अबे पूछ रहा है बता रहा है। अरे सर, अरे बड़े सांप लोग लाए सर, बड़े बच्चों से यार। तुम भी ना बोलो, तुम नीचे आओ, नीचे आओ। अंकल हमारी एक शर्त है। माली बेटा तेरी शर्त बोल बेटा जल्दी बोल। कि आप मोनू की पिटाई नहीं करोगे? नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। हेलो मोनू मेरा बेटा है, मैं मारूं या ना मारूं ये मुझ पर डिपेंड करता है। ओके करो मोनू।
तुम नीचे आओ, बेल्ट लाओ। पापा पापा एक शर्त मेरी भी है। क्या शर्त बेटा? बोलो। आप हम सबको सर्कस दिखाने ले जाओगे? बिल्कुल दिखाएंगे बेटा, ये मान ले तेरा सर्कस शुरू हो गया। मैं हाथी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? जी सर, यस सर, आई एम ट्रैफिक, जस्ट ऑफ कोर्स, सॉरी। अरे यार मोनू, तेरे चक्कर में बॉस को इंग्लिश में डांट दिया है। नीचे आ जाओ प्लीज। अंकल, हमारी एक लास्ट डिमांड है। लास्ट ही है ना, बोलो। कि आप किसी की परेड नहीं कराओगे। अरे देख सुन, क्या है बेटा, मैं कभी किसी की परेड नहीं करवाऊंगा। जो भी मेरे थाने में आया, चोर आया, बदमाश आया, यहाँ तक कि कसाब भी आया, उसको भी रेड कार्पेट पे बिठा के पूछूंगा कि अंकल जी क्या पियोगे, ठंडा पियोगे, गरम पियोगे, बिस्कुट खाओगे, समोसा खाओगे। समोसा गरम होना चाहिए। बिल्कुल, जाओ लाओ मेरा डंडा, लाओ डंडा, लाओ जल्दी दो। तू जहाँ रहेगा मेरा साया। ओहो बेटा, मौसम इतना रंगीन है कि कोई भी आके पकड़ा बन जाए। वेदर साफ रखने के लिए पेट को साफ रखना पड़ता है। सर जी, आई लव यू, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, आई लव यू। बहुत अच्छे, ये सैल्यूट तुम्हें 2 घंटे पहले करना चाहिए था। कहाँ से तुम दोनों? जी पहाड़ की बारिश सर जी। ऊपर से पत्थर, नीचे से ट्रैफिक सर जी। ऊपर से टेंशन। शहर में आयो क्या? हाँ, क्या नाम है तेरा? मेरा पी सिंह। आई पुलिस वालों या चोरों? हाँ प्रताप सिंह, घर में 2 बात ही है जी, वही बीवी अचार सुखाती है। अपने बीवी की अचार के साथ ये चुनरी भी सुखा देना। तुम दोनों को देखकर लगता नहीं कि साले बॉडी की इज्जत करते हो तुम दोनों? वर्दी की तो इज्जत कर लिया करो। मतलब बटन बंद करो। जी जी जी। और ये शर्ट अंदर करो वरना मुझे गुस्सा आना पड़ेगा। देने यार। अरे मुझ काला क्यों नहीं करते? सर मुझ काला करता हूँ ना तो मुंह काला हो जाता है सर। मुंह काला लेकर पुलिस वाला शहर मुगु में अच्छा नहीं लगता ना सर। तुम दोनों को देख कर लगता है कि तुम डिपार्टमेंट का मुंह काला कर रहे हो। चलो। अबे अलिनवा, ये क्या कह रहे थे? चलो देखो बच्चों, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, ये सभी देश पहले रशिया के हिस्से थे। तब इसे सोवियत यूनियन कहा करते थे। क्या कहा करते थे? सोवियत यूनियन। ठीक है, नोट करो। देखो बच्चों, कोई भी देश हो, कोई भी प्रांत हो, सभी ने उस महान नेता की नीतियों को अपनाया, क्योंकि नीतियां मानवता का मूल है। क्या है? मानवता का मूल है। और वो नेता कौन है जानते हो? जानते हो मास्टर जी? मास्टर जी जी बोलो। महात्मा गांधी जी। वेरी गुड, शाबाश। नेता कौन है? महात्मा गांधी। वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। बैठो, खुश रहिए, खुश रहिए, विश्व विजय भव। बैठो। देखो बच्चों, एक चीज हम आपको दिखाते हैं। ये क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शाबाश। यहाँ का राष्ट्रपति कौन है बता सकता है कोई? मास्टर जी बोलो बेटा। बराक हुसैन ओबामा। क्या बात है, सबसे होनहार बच्चा है अपनी क्लास का ये। वेरी गुड वेरी गुड। बैठ जाओ बेटा, नोट करो, नोट करो सारे लोग, बच्चे लोग। मास्टर जी जी बोलो बेटे। अमेरिका में ज्यादा गर्मी पड़ती है? नहीं बेटा। अच्छा, जलवायु के बारे में जानना चाहते हो? जलवायु नहीं, नहीं, वहाँ सारी लड़कियाँ बहुत कम कपड़े पहनती है ना। कहाँ से सीखते हो सब कुछ, अभी बताऊँ तुम्हें? आज तो समय निकल गया, कल तुम सब लोगों को पहले ये बताऊंगा कि गर्मी कहाँ पड़ती है और सर्दी कब पड़ती है अमेरिका में। शैतान हो चुके हो, होमवर्क पे ध्यान दो। अरे सर, मुझे तो बिठा लेते सर। रुक बे, डंडा ला रहा है। रुक बे सर। इधर उधर, भगा दिए अब तो। अरे तो मर मर के भागेगा। भागड़ाओ, ठीक हो? संभाल लेना। इधर और मंदिर की घंटी। नमस्ते सर। बड़े चालाक हो। कैसे सर? ठंडे में ठंडा पिला के कमा रहे हो साले को। माता रानी की कृपा। माता रानी, पिता राजा का भी कुछ सोचो। सा रे गा मा पा, प से पिता, प से पीला, प से पिलाना। बनाओ 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 बना। और कबे डंडा पकड़। हाँ कबे, कहाँ रहते हो? पास ही में। कैसा लगा? सर कुछ अजीब सा है। अजीब सा है, लाइट में पिला रहे हैं। भागे उधर, मुखड़ा खा रहा है। ले लीजिए 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 लीजिए।
कितना कमा ले तो बस हो जाता है पूरा हिंदुस्तानी बस हो जाता है। क्या लाओ लीजिए यार राजा रंग मार के तो एकदम उमराओ जान बना दियो। टोपी उठा अबे इसका स्वाद ना कुछ यहाँ जी सर आहर है कहर इस ग्लास में जहर है साले पेशाब पिला रहा तू नहीं सर और क्या वेल वेल कैसी बात भाई बोलो सब क्या सर मेरा धंधा बंद हो जाएगा धंधा बंद हो जाएगा गरीब आदमी होकर के पेशाब पिला रहे हैं थोड़े अमीर हो जाएंगे साले को तो लैट्रिन का डोसा खिलाएंगे आप नहीं सर मजाक पिला रखा इंसानी का सब 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 हीरो बोलो मनुष्य आदमी निकालो क्या जल्दी कितना निकालो देखो पेशाब पिला पिला के इतना कमाए अबे ये वाला कौन निकालेगा चाचा कान का पकड़ दो छोड़ दे रखो उसको गरीब आदमी हूँ तेरा छोटा बच्चा है सब कैसा लगा बढ़िया ही है चल दे ये सीताराम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं तो सुनाओ तुमने खाना खाया कि नहीं नहीं तुम माँ बेटी से बच जाए तो खा लूंगा मैं पूरे दिन में 15 मिनट तो देते हो उसमें भी ठीक से दबा नहीं सकते क्या ठीक से दबाओ ये टेररिस्ट मुझे मिल जाए ना बेटा मैं कसम से 7 सुबह 7 शाम में इनके पिछवाड़े पे लगाऊं तुलसीदास बना दूं लेकिन इनका क्या करूं किनका टेररिस्टों का ये पहाड़ का टुकड़ा भोज है धरती पर कौन है टेररिस्ट क्या हुआ बे पापा लगता है मैंने चुप्पी नहीं रखी हटाओ उसको नहीं प्लीज 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 जा आप इतनी छोटी छिपकली से डर रहे हैं अबे डरता कौन है बे मतलब कुछ ना कुछ 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 होता है मतलब उसे कुछ कुछ होता है बड़े आए तुमको पुलिस में भर्ती किसने किया हा? तुम्हारे बाबूजी ने याद है 26 जनवरी को क्या हुआ था मुंह मत खुलवा कहीं कहीं छोड़ा था तुमने मुझे पापा हम? वैसे तो आप किसी लायक हो नहीं बाय द वे आप बनना क्या चाहते थे मैं ऑफ कोर्स यू माय फनी डैड मैंने बेटा कहीं वादियों में हरी भरी वादियों में जमीन से ऊपर धरती से नीचे कहीं कुछ मूर्ति के साथ बैठ के बादलों में अरे कौन है ये मूर्ति स्टैचू मम्मी स्टैचू स्टैचू भाई गणपति टाइप्स अरे मैं ना कहती थी कि तुम छुपे रुस्तम हो आज पता चला कि तुम क्या बनना चाहते थे बड़े लेखक बने अच्छा सुनो सुबह कितने बजे काम पे जाना है क्यों तुम भी चलोगी क्या जो पूछे साफ साफ जवाब दो 6 बजे अच्छा चलो दबाओ ना अभी अच्छे से दबाना बेटा कभी तेरी नानी मिले ना उनसे चुपके से पूछियो कि क्या खा के पैदा किया था क्या बोला कुछ नहीं जस्ट चिल हाय मेरे लाल ये है मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर और ये सेक्रेटरीट फरीद और करीम तुम दोनों इस रास्ते से जाओगे मैं और सईद यहाँ से अटैक करेंगे भाईजान हमने इस एरिया का मुआयना किया है इस बार बंदोबस्त बहुत ज्यादा है कहीं 26/11 के माफक क्या फक्र करो कि उन शहीदों की जान का बदला लेने का मौका अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है यहाँ की आवाम को और यहाँ की सरकार को हमें बताना है हम खामोश नहीं हैं लेकिन भाईजान पहले हम आपस में मशवरा करके मेरा मतलब है कि इत्मीनान से शहादत इत्मीनान से हासिल नहीं होती जंग से होती है ये मकसद ये मौका अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है हम इसमें जरूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह मैं किसी के आंख का नूर हूं मैं किसी के दिल का कला जो किसी के काम ना आ सका वो मैं हूं प्रताप सिंह सुबेदार क्या हुआ दरोगा जी क्या हुआ कुछ तो नहीं हुआ
जिंदगी मिली पहाड़ों में, नौकरी पुलिस में, हर बार आर पार सब तरफ मौसम की मार। एक बीवी है उसकी नजरों में कोई इज्जत ही नहीं, ना लोगों के दिल में प्यार। स्कूटर भी साला बेकार, स्टार्ट ही नहीं होता। बेटा जिसको लोरी गा के सुनाता था वो अभी मालू। उसके भी नजरों में एक नाला एक बार, फिर भी कोई शिकायत नहीं। ये महा एक सेहत है वो भी साथ नहीं देती, एक सांसों का सहारा है वो भी बेटा ले गया है मोलू। एक बार आ जा बेटा, एक